उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो ये लिख सकते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी तथा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन बी ए, तो यहाँ से होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद ए यूनियन बी बराबर देख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि अथवा यानी एक्स बिलोंग्स टू या तो ए से होना चाहिए या बी से होना चाहिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी से होना चाहिए या फिर ए से होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ से ये हो गया बी यूनियन ए, तो ये हो गया। सो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। अब